बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टिचेस। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउजर का एक डिज़ाइन शेयर करूंगी। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास फुल ट्राउज़र एक तैयार है, इसलिए मैंने 5-6 भी बना लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पहले से आपको बताया था कि मोटिव मैंने एक निकाल लिया था, इसको मैंने नीट कर लिया था। स्लीव की डिज़ाइनिंग में मैंने आपको एक ये मोटिव अलग करते हुए दिखाया था कि ये ट्राउज़र को मैं अब यूज़ करूँगी, इसको किस तरह से यूज़ करूँगी, इसकी किस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी। चलते हैं आपकी तरफ, वीडियो की तरफ, बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे मेरे पास ट्राउज़र तैयार है। तो इस ट्राउज़र को सबसे पहले हमने आयरन की मदद से इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके हमने निशान लगा लेने हैं। आयरन की मदद से बहुत ही अच्छे से आपने इसको निशान लगा लेना है, ऐसे करके। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन मैं यहाँ पे 4 इंच की लेंथ में यहाँ पे इस तरह छोड़ के फिर इस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ। और इस तरह हमने यहाँ पे आयरन से निशान लगा लेना है सीधी साइड पे। दोनों पांचे आप रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजीली दोनों साइडों पर एक जैसे ही निशान पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक निशान पड़ चुका है। तो इसी तरीके से हमने एक एक इंच के मार्जिन पे हमने एक एक इंच का फैब्रिक छोड़ के इसी तरह से एक निशान हमने और डाल लेना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मेरा एक निशान पड़ चुका है। तो यहाँ पे जस्ट 1 इंच के फासले पे हमने दो निशान और डाल लेने हैं, ताकि हमारे जो अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हमारे तीनों दोनों साइडों पे इस तरह से निशान डल चुके हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो अब हम इनके ऊपर बारीकी से एक एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई चलते हैं, लगाते हैं। अब यहाँ पे मैंने निशानों जो निशान लगाए हैं इन पर मैं पिनटेक्स डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैं इसकी नोक बनाऊंगी। तो नोक बनाने के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि जब यहाँ पे आप नोक बनाएंगे तो यहाँ पे नीडल आपने उठा लेनी है। नीडल उठा के आप फैब्रिक को पलटेंगे तो आपकी जो है नोक बहुत अच्छे से बनेगी। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ तक नोक तक लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने बनाना है। यहाँ पे मैंने नोक पे आ गए हैं। तो यहाँ से पहले मैं इसको नीडल को इस तरह उठा लूँगी और फैब्रिक को सीधा कर लूँगी और फिर नोक को नीचे नीडल को नीचे उतार लूँगी फैब्रिक की तरफ। यहाँ से मैंने एक साइड जो है पलट ली है, तो अभी इस तरह से यहाँ से भी साइड से भी सिलाई लगा लूँगी मैं। अब यहाँ पे मेरी पिनटेक्स पड़ चुकी हैं, तो इस तरह से आपकी पिनटेक्स पड़ जाएंगे। अब ये जो मैंने मोटिव निकाला था, इस मोटिव को मैंने इस तरह से यहाँ पे अटैच कर लेना है। आप चाहें तो एक साइड, ये मैं सिर्फ एक साइड पे मोटिव को लगाऊंगी। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह से जो मोटिव्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप, मैं इस मोटिव को इधर इस तरह से अटैच कर लूँगी। व्यूअर्स, अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ के लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल के आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहेगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। अब यह है हमारा एक साइड पर जो है मोटिव भी लग चुका है। तो इस तरह से आपका बहुत ज़बरदस्त ट्राउज़र जो है, ट्राउज़र की साइड एक तैयार हो जाएगी। अब मैं इस ट्राउज़र की ट्राउज़र को बंद करके सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा के मैं इसे फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मेरी फ़ाइनल लुक इस तरह आ जाएगी ट्राउज़र की। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।